स्टेशन फाइनली मेट्रो स्टेशन पे मैंने पैर रख दिया, नहाई धोई नहीं ऐसे ही चली आई यार। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, गंदा इम्प्रेशन मैं लेके जाऊँ। मुनीरी का वेट कर रही हूँ, किसी ने निकलने को तो मैं निकल गई थी और यहाँ पे मुनीरका पे आई थी, और मुनीरका से चार स्टेशन बाद ही हौज खास है, तो वहीं पे सारे चेकअप होते हैं बड़े बड़े। और मुझे डॉपलर करवाना था, और मेरे को ना दो तीन दिन से जब से डॉक्टर बोले थे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कब करवा के मैं ना छुट्टी करूँ, और डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं यार। तो यही है, और मुझे ना फटाफट ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जैसे कि कुछ भी है चेकअप करवाना है या दिखाना है तो छुट्टी करूँ। और झीलने से यार बहुत दिन झील लिया तो वही बात हो गई थी। तो इंस्टाग्राम पे एक सब्सक्राइबर जो जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, और वो बता रही थी कि दीदी यहाँ पे हो जाएगा, तो जैसे ही मुझे मैंने उसका नंबर लिया था मैंने कहा मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगी अगर मुझे आना होगा, तो बोली ठीक है। और ये चेकअप काफ़ी महंगा होता है और हर जगह नहीं होता, तो मैं उसको कॉन्टेक्ट की और मैंने बोला कि ना मैं आ रही हूँ, तो उसने बोला था 20-25 मिनट में आप दीदी मुझे बता देना मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, और ये तो था ही कि फर्स्ट बार इंसान किसी से मिलता है कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही बहुत स्वीट और हम्बल और डाउन टू अर्थ लड़की थी, और अच्छा लगा मिलके। लग नहीं रहा था कि फ़र्स्ट टाइम जैसे मिलना होता है, और उसके मन में भी ये चीज़ें कह रही थी दीदी, मुझे लगता था कि यूट्यूबर होगी थोड़ा एटीट्यूड होगा ऐसा वैसे। मैंने कहा नहीं यार, क्या एटीट्यूड और क्या, जो मैं कैमरे पे हूँ वैसे भी हूँ, बाकी अगर इंसान अच्छा होता है तो मतलब रखती हूँ, अगर मेरे को थोड़ा सा भी दिखता है कि नहीं है तो मैं कट ऑफ कर लेती हूँ, ये मेरी आदत है, और कोई भी रिश्ता अच्छे से निभाओ मेरा यही कहना है। तो बहुत ही अच्छी थी, और थोड़ा वेट करना पड़ा मुझे बिकॉज़ वो बस से आ रही थी। अभी फ़ोन किया है मैंने, वो आ रही है, पहुँच गई है, पास में ही कहीं है। ऑटो जाते हैं यहाँ से? कुछ आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आई। हाँ, तो मेरी जो सब्सक्राइबर है जिससे मैं फर्स्ट टाइम मिलने वाली हूँ वो लेके जाएगी मुझे यहाँ चेकअप करवाना है, उसको आइडिया है तो आने वाली है, वेट कर रही हूँ मैं। देखो कैमरे में आ सकती हूँ कि नहीं। तो ये है, फर्स्ट टाइम मिली है मुझे पूजा, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं और बहुत वेट करवाने के बाद आई हैं। टाइम लगता है इसमें करवाने में, जिस पैथोलॉजी पे वो मुझे ले गई, और वहाँ पे ना काफ़ी अच्छा था और काफ़ी भीड़ था, अच्छा पैथोलॉजी था, और उसने ना मतलब उसका कांटेक्ट था तो उसने थोड़ा सा कंसेशन भी करवाया और काफ़ी हेल्प हो गई, तो मैंने फटाफट वही डॉपलर करवाया। आते आते मुझे 4:30 बज गया था, लेकिन तक कॉफ़ी पी लेते हैं, बहुत ही स्वीट है। चलो इसके बारे में घर पहुंच के बात करो। यूट्यूब की वजह से ना बहुत हेल्प हो जाता है, तो यहाँ पे वो कॉफ़ी लेने चली गई थी, दीदी कॉफ़ी पी लो, गर्म पानी देना, बहुत ज़्यादा केयर करना, रिस्पेक्ट करना, और इतना अच्छा लग रहा था ना, तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट रखने का मन करता है, रहता है मन रहता है कि लंबा रिश्ता रखो। चलो अब बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच यार, इतना हेल्प कर दिया है। सुबह से मैं ऐसे, हे भगवान कितनी गंदी लग रही है, नेक्स्ट टाइम सच कवर के नहीं। वो तो बोल रही थी दीदी आप प्रॉपर सूट नहीं कर रहे हो, प्रॉपर सूट करो, कोई भी काम करो तो मन से करो, और मेरे को थोड़ा सा ना पब्लिक प्लेस में शर्म आती है और अजीब लग रहा था। और फिर मैं उससे मिली थी ना, तो मैं उससे बात बात करना, तो मैं उसमें भूल भी गई थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, सही बताऊँ तो बात ये थी। और बातें हो गया कितना, 4:30 एक सुबह का गई 4:35 हो गया, पैरों में सूजन।
इतना मुझे चलना पड़ा था और इतना दौड़ना पड़ा था सुबह से कि मुझे भूख लगी थी और मैंने कहा फटाफट मम्मी खाना दे दो। तो मम्मी भी ना बार बार फ़ोन कर रही थी और परेशान थी कि खाना नहीं खाई है, नहीं खाई है। फिर मैं खाई और पता नहीं कब मैं थोड़ा सा सोई तो नींद तो नहीं आई, लेकिन 5:30 6:30 टाइम इतना तेज़ी से भाग रहा था, समझ में नहीं आया। और बस यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच भगवान कि आपने मुझे इस यूट्यूब की दुनिया में लाया और मुझे उस लायक बनाया थोड़ा सा, और मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, सपोर्ट करते हैं और इतने रिस्पेक्ट देते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ और मुझे बहुत स्पेशल फील होता है, फील करवाते हैं लोग। तो थैंक यू सो मच। और मेरी ये प्रॉब्लम जो है शायद मैं अकेले झेल नहीं पाती। वो कहते हैं ना कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल देता है, तो अच्छा हुआ मैं यूट्यूब पे आई और मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले और बहुत सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। और अच्छा हुआ कि मैं यूट्यूब पे आई और मुझे ऐसे लोग मिले, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच पूजा कि तुमने इतना हेल्प किया मेरा। और सच्ची में यार तो छोटी छोटी हेल्प, कहते हैं ना भगवान कि जब किसी का कोई नहीं होता ना तो भगवान किसी न किसी रूप में किसी को भेजते हैं, और सच में मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि मुझे भले ही कहीं से सपोर्ट नहीं मिला है लेकिन यूट्यूब के ज़रिए भगवान एक न एक इंसान को मुझे सपोर्ट के लिए भेजते हैं और मेरा काम आसानी से हो जाता है। और थैंक यू मेरे सारे सब्सक्राइबर और यूट्यूब के और जो मुझे देखते हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग की वजह से मेरा थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाता है और मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ, आप ही लोग के बदौलत है। तो थैंक यू सो मच, बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। चलिए खाना पीना खाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, आपको मिलती हूँ कुछ देर बाद। बाय बाय। बहुत थक गई सब, आई हूँ अच्छे अच्छे हो गया, मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ चेकअप के लिए नहा धो के, ठीक है ये चेकअप का, तो चलते हैं फटाफट। इसी के साथ एक बात और क्लियर कर दूं कि कई लोगों को लगता है कि कैसे मैं ऐसे रह ले रही हूं और कैसे मैं अपने खर्चे उठा ले रही हूं, कैसे सब चीज़ें कर रही हूं, हो सकता है किसी का हेल्प हो। तो बता दूं कि लोग अपना कीमती समय निकाल के मुझे दे देते हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और रही बात पैसे रुपए से किसी की हेल्प करने की, तो वो कोई नहीं करता, और आपको इसमें भी दिख जाएगा। और जो मेरी सब्सक्राइबर मिली थी उसने ही देखा था कि मैंने अपने कार्ड से पे किया था, और अभी भी मैं ना आज भी अभी आप देखोगे तो मैं कार्ड से ही अपना बिल पे करूँगी। तो मैं यही मानती हूँ कि अगर कोई समय निकाल के मेरे लिए आ जा रहा है, मेरी हेल्प कर दे रहा है, वही बड़ी चीज़ है। बाकी पैसे रुपये देखिए यहाँ पर कार्ड मैं अपना यूज़ कर रही हूँ, तो बाकी रही बात पैसे रुपए की तो वो मैं अपना ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो मेरी मम्मी को घुमाने का हो, फिराने का हो, चाहे यहाँ का खर्चा हो, चाहे चेकअप का हो, ठीक है। तो कई लोगों को लगता है कि मैं कोई मुझे बैक सपोर्ट कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हर चीज़ अपने दम पे करती हूँ। और ऐसा मैं अपने यूट्यूबर को नहीं कहती, कुछ लोग हैं कुछ लोग की सोच होती है क्योंकि उनको हजम नहीं होता शायद, आई थिंक ये कैसे कर ले रही है, उनको लगता है कि कोई सपोर्ट होगा, तो मैं इसीलिए बस क्लियर करना था और मुझे कुछ नहीं बोलना। बाकी फिर यार किसी की सोच से ना मुझे पहले फ़र्क पड़ा है ना अब पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दूसरे दिन चेकअप के लिए निकली थी और फिर खाली पेट जाना था, गई तो पता चला कि वो चेकअप मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ, ब्लड का तो मैंने दे दिया और वो होता है ना स्टूल चेकअप करके, मैंने कहा मैं तो कुछ खा ही नहीं, ऊपर से सुबह से फ्रेश होके आ गई हूँ तो क्या, तो वो 3 दिन मुझे देने जाना पड़ेगा। बहुत ही सिर दर्द वाला चेकअप मुझे वो लग रहा है बहुत, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं चाहती थी अब मेरे साथ हो रहा है, और क्या कर सकती हूँ यार, करना पड़ेगा। तो फिर मैं वहाँ से जैसे ही आई तो मुझे जूस वाला दिखा था, तो मैंने कहा 1 गिलास जूस पी लेती हूँ अनार और मौसम्मी का, क्योंकि यार खून काफ़ी निकला था, 3 इसने 7 निकाला। तो यहाँ पर देखिए ये कार्ड मेरे भैया ने दिया था मेट्रो कार्ड यूज करने के लिए जब मैं वहाँ से आती थी, तो वो कार्ड मैंने रख लिया, इसी में रिचार्ज करवा के मैं अपना मेट्रो से आती जाती रहती हूँ। तो 200 का एक बार रिचार्ज कर दो तो चलता है, ठीक चलता है, 3-4 बार आप कहीं भी आ जा सकते हो तो सही रहता है यार, टोकन नहीं लेना पड़ता, तो इस तरीके से है। और यहाँ पे आते समय ना यहाँ पे स्वेटर की दुकान बहुत सस्ती सस्ती दिख रही थी, और अब गर्मी के कपड़े भी आ गए तो मैं वही देखने लग पड़ी थी। 3-4 दिन कंटिन्यू दौड़ने से ना थकान लग रही है, और यही सब था यार और क्या बोलूँ। और चलती हूँ सीधे घर पे, चाय पीती हूँ और उसके बाद कुछ देर बाद खाती हूँ कुछ, क्योंकि 12:30 बज गए थे और मुझे कहीं जाना था, मैं इसीलिए नहीं गई क्योंकि मेरा ना
सुबह खाली पेट एकदम से एसिड जैसा बनने लगता है, तो उल्टी जैसा मन हो रहा था। मुझे जाना था, मेरे गांव के कोई लोग थे यहाँ पे, तो मुझे एम्स से जाके मिलना था, लेकिन मैंने कहा था मैं बाद में मिल लूँगी। इसी चक्कर में मैं घर पे आ गई, और फटाफट आने के बाद खाली पेट 12:30 बज गए थे। मैंने कहा चाय पीऊँगी और मम्मी से यही बात करती, यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि मुझे थकान लग रही है, मम्मी कह रही हैं कि खाना खा लो। मैंने कहा कि यार चाय पी ली और अभी मैं चल के आ रही हूँ, फिर चाय पीऊँ, फिर फटाफट खाऊँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे को आधे घंटे छोड़ दो, मेरे को रेस्ट करने दो। मेरी मम्मी यार खाने के पीछे इतना पड़ती है ना, मेरे को समझ में नहीं आता। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग, मेरे को बहुत थकान हो रही है, मैं रेस्ट करती हूँ।